आज हूँ पवित्र विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा कालिया सावंतक घोषयात्रा तेरे श्रीक्षेत्र चलचंचल तेरे आम पाखे अच्छा कृष्ण दास देव अच्छा तो सी सब आलोचना करवा कौन कहे जय जगन्नाथ लीला चले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राव्यम जगन्नाथाय ते नमः। देखिएगा ऐसा कोई भी भगवान नहीं है जो अपने मंदिर से बाहर आता है सड़क पे अपने भक्तों से मिलने के लिए। श्री राम जी भी मंदिर के अंदर रहते हैं, श्री कृष्ण भी मंदिर के अंदर रहते हैं, भगवान शंकर भी माता पार्वती के साथ मंदिर के अंदर, लेकिन एक ही भगवान ऐसा है अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक जो अपने भक्तों से मिलने के लिए सड़क पर आता है। सुबह से लेकर रात तक धूप में रहेगा ताकि उनके भक्त लोग जंतु दर्शनात मुक्ति सर राति कृपा निधि। ये जगत का नाथ है, बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, इनके पलके भी नहीं है, 24 घंटे अपने भक्तों को निहारने के लिए। आज के दिन, आज का दिन ब्रह्मा, यहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी, सूर्य, चंद्र, यमराज, सभी देवी देवताएं क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी भक्त क्योंकि 2 साल से कोविड के कारण यहाँ पर नहीं आ सकते थे दर्शन के लिए रथ यात्रा के, आज 2 साल बाद ये मौका मिला है। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। इतना पास देंगे, कितना पास देंगे, यहाँ तक आने में कितना पापड़ बेले वो नहीं कोई जानता है। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, साधु संतों का कृपा होनी पड़ती है, प्रभुपाद जी की श्रील, प्रभुपाद जी की कृपा। जब कृपा होती है साधुओं की, भक्तों की, तब भक्तों के भगवान के नजदीक आते हैं, नहीं तो कोई आपको भगवान के नजदीक नहीं ला सकता। यहाँ पर जगन्नाथपुरी के जितने भी पुजारी हैं, जितने भी महंत हैं, उन सभी की कृपा है हम पे, तभी हम भगवान के थोड़ा बहुत निकट आ सकते हैं। जय जगन्नाथ। निश्चित भाव शुणी जी कह जो 2 वर्ष पर अनुषित हो महाप्रभु रथयात्रा तेरे जो भक्त गहन से अनुषित हो रथयात्रा तेरे जो भक्त महाप्रभु दर्शन कर कृपा लाभ करी। रिपोर्ट रिपोर्ट आसती।